तेरी याद आती है। और पेश है आप लोगों के बीच में कीर्ति रावत। मम्मी ने मुझसे बोला कि ये लड़की को ना बहू बना ले घर की। ओए लखनीत। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। सबसे पहले ये क्लिप मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे हो कि हमने वाला व्लॉग नहीं डाला जहाँ पे मम्मी बताने वाली थी कि उनको नीतू में सबसे पहले क्या पसंद आया, वो पहली मुलाकात कैसी थी, क्या चीजें ऐसी थी जिन्होंने मम्मी को इम्प्रेस कर दिया। तो यार वो चीजें मैं चाहता हूँ मम्मी और पापा दोनों साथ साथ बैठ के बताएं। और जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा, बाबूजी वाले व्लॉग में पापा आपको व्लॉग में नजर नहीं आए। उसका रीजन ये कि पापा को अर्जेंट मीटिंग से गुवाहाटी जाना पड़ा, वो अभी आसाम में है और मैं उम्मीद कर रहा था कि आज वो आ जाएंगे लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया, तो शायद कल पापा वापस आ जाएंगे। तो यार आप सोचो, मतलब एक फील तभी आएगा ना जब पापा मम्मी दोनों साथ में बैठ के बताएंगे कि नीतू आई घर में, क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें, क्या उनको ना इसकी आदतें अच्छी लगी, और फिर मम्मी ने मुझसे बोला कि ये लड़की को ना बहू बना ले घर की, मतलब कुछ ऐसी ऐसी बातें थी, बहुत अच्छा, आपको बहुत मजा आएगा सुन के। लेकिन प्लीज बस मेरे पे इतना ट्रस्ट और करो कि वेट करो पापा के आने तक का। पापा आएंगे, पापा बैठ के, पापा और मम्मी जब दोनों बताएंगे ना आपको डबल मजा आएगा। देखो अकेले मम्मी मम्मी से मैं पूछ लूं और वो बता भी दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार वो फील नहीं आने का। मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ ये सब ना, ताकि आपको बहुत अच्छी वीडियो लगे। तो बस बस थोड़ा सा वेट और, ओके? तो आप फिलहाल आज वाला ब्लॉग बहुत एंजॉय। तीनों चश्मे लगाएंगे, ठीक है? तेरी याद आती है। चश्मा लगा के बात करेंगे। बेताबी जी, ये चश्मा ढूंढने लगे। बड़ा तड़पाती। बाबूजी आप ही गाना गाओ थोड़ा। बाबूजी तुम बाबूराव वाला बोल लो, तुम ये दीदार बिना मैं, तुम क्या बात कर रहा है, ना रह पाऊंगा। नहीं बाबूजी को ये वाला चश्मा दो। दूरी बाबूजी, डांस तो करो थोड़ा, ऐसा से करो, ऐसा से करो बाबूजी। फुरकत गम मिटा जा, लेकिन बाबूजी को तो कुछ करवाओ। इश्क दा चांद, बाबूजी को तो गाने का मौका नहीं दे रही। हाँ बाबूजी गाने का मौका गाओ तो। जुमेरात रात है आजा साथ, साथ निभा। आप डांस मत करो बस, बाबूजी ऐसे करो ऐसे, साथ निभा। कर तो दिया मैंने कहा गो। जुमेरात रात है आजा साथ, साथ निभा जा, साथ निभा जा। भूत आ रहे तुम पे। ए मेरी 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 जोहरा जबी, फुरकत गम मिटा जा। बाबूजी आप भी कर दो ऐसे ऐसे, सर तो हिला दो। फुरकत गम मिटा जा, मुझे गाना नहीं आता। इश्क दा चांद दिखा जा, जो मेरा रात है आजा साथ, साथ निभा जा, साथ साथ निभा जा। व्हाट्सएप डीपी बाबूजी सच में आज बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। बाबूजी तुम्हारी कसम, तुम कितना अच्छे लग रहे हो। व्हाट्सएप डीपी लगा लो इस चश्मे को, बता रहा। नीतू यार फोन दियो, एक बाबूजी की फोटो खींचो यार। एक्टिवेटर है अभी, ये 10 घंटे के अंदर अपने आप आ जाएगा। उधर देखा, 10 9 8 7 पैसे हैं भी तेरे पेटीएम में, 5 4 देखा ये। हाँ बाबूजी कहीं जादू नहीं हुआ, हुआ जादू? अरे आ गया अभी, अभी कहाँ, कुछ तो अभी तो काला काला था, कहाँ आ गया? अरे न्यूज टीवी चल तो गया, चल तो ये तो चल तो ये तो। अरे भैया अभी इसमें रिचार्ज नहीं था। अभी कहाँ चल रहा था टीवी? चल रहा मंत्री का, बाबूजी तुमने देखा नहीं देखा, वो कह रहा कि न्यूक्लियर बम मार देंगे। बाबूजी को नहीं पता कि इसका नेट खत्म हो गया था, नेट खत्म हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया था, बाबूजी को नहीं पता। और पेश है आप लोगों के बीच में कीर्ति रावत। आज तो दीदी तू बहुत ही सुंदर लग रही है सच में। तू इतना शर्माती हो, आज पहली बार लग रही है मेरी बहन सी। क्यों नीतू, नीतू एक बार, एक बार दोनों इधर देखना, मैं देखूं कौन ज्यादा, कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है आज की ड्रेस में। दीदी ने पहना हुआ लाइट पिंक पीच कलर और नीतू ने अच्छा वाला कलर। अच्छा आप बताओ दोनों में कौन अच्छी लग रही है। पर्सनैलिटी मुझे नीतू की अच्छी लग रही है, और वैसे मुझे अच्छी ट्रेडिशनल में नीतू लग रही है। तो नीतू जीत गई, अच्छी लग रही है। अब मैं भी लाइक ही भाई, एक बात है, सबसे सुंदर, सबसे सुंदर तो भाई एक ही लग रही है और वो है नीतू। मैं खुद से सर्टिफिकेट दे लिया खुद को। हाँ ऐसी बात नहीं है, मेरी बहन बहुत प्यारी लग रही है। नीतू ट्रेडिशनल में अच्छी लगती है। आप सब लोग कमेंट्स में बताओ दीदी ट्रेडिशनल में अच्छी लगती है या फिर कैसा में। देखो ना, ए, ये वो है हंसा। ये देखो, अब देखो दूसरा आउटफिट, और फिर शाम को तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच होंगे आज। लुमो पहनो। अरे हंसा, हंसा कहाँ चली यार? देखो मुझे यकीन नहीं रहा कि मेरी बहन है। क्यों नहीं कर रखा ना मैंने? वो बिना मेकअप अच्छी लगती है, कुछ भी नहीं लगा, कुछ मत बोलियो। मैं रात भर सोनी भाई, दो बजे उठ के पड़ी हूँ। ये एकदम टिपिकल नंद है, दीदी अपने सारे काम कराती है उससे, वो एकदम सीधी सी बहू आ गई है। तो जी अरे तो मेरी साड़ी है।
इन दोनों की 24 घंटे चुगली चलती रहती है। दीदी किसकी चुगली कर रही है अब तू? बहुत फेक था वो तो, बहुत ही ज्यादा। किसकी चुगली कर रही है? सोनी दीदी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स है ना सोनी दीदी, बता दो यार। लोग ये कह रहे थे कि नीतू तू इससे लखन से अच्छा तो सोनी दीदी से शादी कर ले, तो दोनों की बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है। हमने कल कमेंट्स पढ़े कि आपने ऐसा बोला। ऐसा क्यों बोला यार? सच बोला, हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, टच। तो शादी करने लायक थोड़ी होती है? नहीं, शादी करने लायक नहीं है। तो फिर दीदी आ गया, दीदी का प्यारा, इसको दीदी से मतलब रहता है, मतलब के लिए आता है। कुछ बताओ क्या, मेरी अच्छाई बताओ लोगों को। दीदी बता, से समथिंग गुड अबाउट नीतू जल्दी प्लीज, वी आर लूजिंग टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। हमारी जो लखनीत फैम का टाइम है ना, बहुत प्रीशियस है, तेरी तरह नहीं है वो। चलेगी उठ के? नहीं, कुछ नहीं बोलोगी मेरे बारे में? अब देख लेनी तू, ऐसे लोगों से दोस्ती जोड़ रखी है तूने। ये कैसा लग रहा है? और ये मम्मी का आज का आउटफिट नंबर 2 या 3? अभी तो 2 ही है भाई, 3 भी हो जाएंगे। 4 आज कितना आउटफिट पहने टोटल आपको? अब सोनी दीदी और मॉम जा रहे हैं मंदिर। नीतू तू हर चीज को राइम में क्यों बोलती है? अब ये तो क्या है, मंदिर। अब हम जा रहे हैं लखन के घर। चेंज नहीं किया, चेंज किया। मम्मी नीतू के स्टाइल में बोल दो एक बार। अब ये नहीं जा रही नीतू। मॉम मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला अब मॉम और सोनी दीदी जा रही मंदिर। बोलो बोलना मेरे को। सोनी दीदी नीतू जा रही है, सोनी दीदी और मॉम जा रही है मंदिर। किसका तो गुस्सा कर दिया, रुला दिया ना बेचारी को। और हमारे बाबूजी कर रहे हैं पूजा, नहीं तो वही साड़ी पहन के बाबूजी के पास, बाबूजी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। अच्छी लग रही है शादी है, साड़ी ऐसी उनकी हो ना बुढ़ियन की। बाबूजी तारीफ थी, ये तारीफ थी या बेचती थी? ये तारीफ थी या बेचती थी? बेचती थी क्या मतलब, आपने क्या तारीफ करी मेरी? बड़ी बुढ़ियन की ये साड़ी। ठीक है बाबूजी, साड़ी बांधनी आ गई। आ तो गई ना साड़ी बांधनी, देखो आ गया। रियलिटी नहीं पता। ठीक है बाबूजी, बाबूजी हाँ। आपका इतना मन कैसा लगता है पूजा में? माय गॉड, मेरे लिए मांगते हैं ना बाबूजी, ध्यान से करूँ पूजा। बाबूजी अच्छा ये बताओ, ये मैं मोटी लग रही हूँ नहीं लग रही? सच बताओ ना। जैसे पहले ऐसे बाबूजी मोटी हो गई हूँ, देखो हाथ ना, ये देखो ना, नहीं लग रही? हाँ यूं कर रही हूँ, यूं यूं कर ये देखो बाबूजी ने अपना फोन निकाला अपनी तिजोरी में से, और मैं क्या देख रही हूँ बाबूजी, दिखाई है बाबूजी का वॉलपेपर देखो, वॉलपेपर में बाबूजी ने आपकी फोटो लगाई है। बाबूजी अब इससे तो जाहिर है कि तुम सबसे ज्यादा प्यार मेरे से करते हो, है ना बाबूजी? अब बता दो सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो आप? पापा को। बेटे से तो प्यार बताइए, है ना बाबूजी? पापा के बाद किसको करते हो? चलो तुम्हारे एक मुश्किल में हल कर रहा हूँ, पापा के बाद किसको करते हो ज्यादा प्यार? मेरा फोटो क्यों है? वो तो ऐसे ही लगा दिया होगा गलती से, नहीं बाबूजी? गलती से लगा दिया आपने वाला फोटो? ना इतने लगा दिया हो तुमने लगा? अच्छा आपने लगा? ऐसे नहीं बोला, वीडियो बननी है, ऐसे बोलो। कैसे बोलूं, कैसे बोलूं? तो यार बाबूजी आज जाने वाले वापस, फिर आएंगे 3-4 दिन बाद, ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन आने वाले हैं नहीं। मुझे पता है वो आएंगे वही मतलब 10-15 दिन में, 10-15 दिन से पहले नहीं आने वाले। अच्छा तो मुझे कुछ काम है छोटा सा, मैं वो निपटा के और फिर कर आऊंगा। और मम्मी आज क्योंकि बाबूजी आए, तो मम्मी आप कैसे रहती है जब बाबूजी आते हैं ना, बताओ देखो। संस्कारी बहू इस घर की, मम्मी बाबूजी कहते इस भेस में आ जाती है। मुझे भी जाना पड़ेगा ऐसे ही। तू तो बड़ी भाई, तू तो ऐसी घूम रही है। लेकिन बाबूजी ने से कुछ कहा भी नहीं है। कहा नहीं, लेकिन बाबूजी का एक तो तू बाबूजी के पास जब भी आया कर, कोई भी कपड़े पहने में दुपट्टा लेकर आएगा। अच्छा, एक चुन्नी सी गले में तो डाल लिया कर, यूं घूमती रहे। आपने मुझे अब बताया मॉम, तो अब मुझे देख के तो कर लेकर, मैं चुन्नी लेके रहती हूँ बाबूजी के सामने नहीं, तो तू तो मेरी भी बहू है, तो तुझे कैसा रहना। मम्मी बाबूजी जा रहे हैं आशीर्वाद लेने? जब मैं बादल बन देखो 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 लोग देखो, एक एक बहू को देख लो, दूसरी बहू को देख लो, सर पर पल्ला भी ना यूं ना आकर बाबूजी से मिलने चल, बाबूजी के पैर छू ना आशीर्वाद ले रहे। चलो 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 ऐसे ही। कैसी लग रही है मतलब ऐसा, जब ये पता है शादी हो गई अगर एंट्री करती तो ऐसे करती, अब करेगी भी ऐसे ही। अब अच्छी लग रही है ना बाबूजी? दोनों बाबूजी तुम्हारी दोनों बहू आई है पैर छूने। बाबूजी ये कमजोर ना हो रही? हाँ कमजोर रह रही है बाबूजी, इस बात को कोई कह दे ना कि कमजोर हो रही है तो कुछ खाती ना, तो बाबूजी गुस्सा हो जाए इस बात पे। चिंता तो होनी चाहिए, कुछ भी वजन ना बाबूजी इसमें देख लो, देखो ऐसे बनी रहेगी बाबूजी चुप। बाबूजी मेरा वेट नहीं बढ़ता यार, तुम एक महीना वो पिया गाजर का जूस, केवल गाजर का दूध, गाजर के जूस आए ना अभी कितने ठंडा भर, ये सुनती ना बाबूजी किसी की? हां जी, ऐसे कैसे बीतेगी?
मीठा नहीं खाती, मैं मीठा नहीं खाऊंगी, मेरे पेट हो जाएगा। दूध नहीं पीती बाबूजी, देखो दूध नहीं पीती। दूध क्यों नहीं पीती? दूध जी मतलब स्मेल देख लो, कब का मामा है, स्मेल आ रहा हूं मैं, आज से पीऊंगी बाबूजी। ऐसा ना कह के ना एक बना है। हां दूध से कैल्शियम की कमी पूरी होएगी और थोड़ी बहुत ठीक भी होगी, पेट भी बढ़ेगा। अच्छा ठीक है बाबूजी, ठीक है बाबूजी। खाना लगवा दूं? खाना का बनाओ आज, साग बना। मैं ना खाऊं साग, हम तो साग दिख रहे। अच्छा हमारे तो बहुत दिनों में बना बाबूजी, पराठे बनवा दूं? हां एक पराठा बनवा। अच्छा आजा आजा, ठीक है आज जो चीजें सुनी उनको बिल्कुल ताला लगा ले है। गई ना मम्मी ने नीतू में डांट लगवा दी बिना बात। नीतू कैसा लग रहा है इधर तो? जबकि मां को ही बताया कि मैंने खाना पीना सब स्टार्ट कर दिया। हाँ, और अभी बढ़ भी रहा है बेटा, लेकिन उनको मजा आता है। मतलब होता है यार फैमिली में ये तो कि एक दूसरे की डांट पड़ाने में बहुत मजा आता है। यार आज बहुत ही लेजी दिन था क्योंकि आज हमने बहुत कुछ ज़्यादा करा नहीं है। आज मैंने एडिटिंग की है और कुछ हमारे ऑफिशियल ईमेल्स थे जिनसे लाइनअप लेना था, तो आज वो सारे काम निपटाए और आज हमने गुची को काफ़ी सारा टाइम दिया है काफ़ी दिनों के बाद। तो अभी मैं और नीतू यहाँ से जा रहे हैं घर क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया, उन्होंने शायद कुछ नीतू के लिए बना रखा है, आज व्रत तोड़ना है ना उसको अभी, तो घर जा रहे हैं पहले यहाँ से। जब हम जाते हैं नीतू कैसी आवाज़ करते हुए आता है? छन 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 छन। जब हमने आज हमने ये डिसाइड किया कि जब ये बड़ा भी हो जाएगा तभी हम इसका जो नेक होता है नेक को कुछ लाएंगे, ऐसा घुंघरू टाइप का लाएंगे जो घुंघरू बचता है। मम्मी ने डिसाइड किया जब करण की शादी होगी तो करण रिकी की शादी होगी तो मैं वाला डांस करूंगी, लो चली मैं अपने देवर की बारात। ठीक है बोलो, मैं तो बोल ही ना निकल रहा है। ये जनता को बेवकूफ बना रहे हो या सच में करोगी? दिल से करोगी? दिल से निकल रहा है, दिल से निकल रहा है। ये व्यू लेने के लिए कर रही हो? नहीं दिल से निकल के आया है मेरे। सोच पहले तो वही सोचना है करण, पहले तो दीदी की शादी है ना। दीदी की शादी में कौन सा करेगी? हाँ कौन सा करना चाहिए गाइस, मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन सा गाना करना चाहिए। नंद के, नंद का कोई गाना है मैम? आप बताओ मैम, पूछो। मॉम क्या पूछे, तू ही पूछ रही, मेरे को थोड़ी करना, मेरी तो नंद की हो गई सारी। हो गई? अच्छा हाँ। नीतू कैसी बातें करती, तू हो गई? मैं मुझसे निकल गया। तो गाइस आप कमेंट्स करके बताना कि नंद का कौन सा गाना है जिसपे मैं डांस करूं। भाई वैसे आप लोग क्या कमेंट करते हो, अभी किसी ने कमेंट करा है भम्मू के इंस्टाग्राम रील पे और क्या लिखा है मम्मी रील पे? रील पे लिखा कि मतलब बुढ़िया बहू की ओर कर रही है, बुढ़िया बहू की ओर कर रही है। भांग पी ली नीतू बता रही है, इसने कुछ कमेंट्स ऐसे पढ़े थे, लेकिन यार बहुत फनी हो यार आप लोग सच में। और यार कुछ भी कहो पाई कहीं भी जाए, जैसे पाई अभी गुवाहाटी गए हुए लेकिन मम्मी को फोन करते हैं कम से कम दिन में 5-6 बार, वीडियो कॉल करते हैं, इतने रोमांटिक कैसे है इस एज में भी इतने रोमांटिक है ये। पाई एक बार सबको हेलो बोल दो। रुक जा स्पीकर पर डाल दूं, स्पीकर पर डाल ली, रुको। हां नीतू मेरी एक्टिंग कर रहा भाई नीतू। हेलो जी भाई, नीतू बिट्टू कहां है? बिट्टू ये रही आपकी, बोल यहीं पर हूं, आपको फोन भी किया था भाई मैंने। कहां से बोल रही है, कहीं कहीं डिब्बे में मुंह देके बोल रही है क्या? नहीं नहीं भाई सोफे पर ही तो हूं, ऐसा लग रहा है कि डिब्बे में मुंह घुसा के बोल रही है, आवाज नहीं आ रही बाहर। नहीं नहीं यहीं पर हूं, पहुंच गए आप? पहले जमाने 5 किलो के डालडा का एक डिब्बा आता था प्लास्टिक का, मैं उसमें मुंह डाल के बोलती हूँ। फ्रेंड्स जैसे एक चीज माननी पड़ेगी कि हर घर में कोई ना कोई एक इजी टारगेट होता है। इजी टारगेट मतलब जिसको सब कुछ ना कुछ कह सकते हैं, जो कि मेरे घर में वो लकी है। कितनी सच्ची है यार, अभी ये दोनों मिलके यहाँ मेरी वाट लगा रखी इन्होंने, क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन मैंने मतलब कुर्ता नहीं पहना था तो मम्मी डांट रही, क्योंकि मम्मी मेरे लिए लेकर आती है ऐसी चीजें और मैं पहनना भूल जाता हूँ, तो मम्मी बोल रही तू थोड़े रंग ढंग से रहा कर, और मेरी क्लासेस चल रही थी यार, सोचा थोड़ी चीजें आपको भी सुनवा दूं कैसे सुनाती है मुझे। हाँ भाई गब्बर सिंह अब बोलो ना, कैमरा के सामने क्यों शांत हो गई? तू बता दे, मैं कैमरा के सामने मैं तो भूल भी गया, मैं एक कान से सुनता हूँ दूसरे निकाल देता हूँ तभी तो। निकल जाता है तो निकल जाता है। ऐसी है यार ये।